सियासत में जात-पात के कार्ड को खुलकर नहीं चुपचाप खेले जाते हैं। हिमाचल की सियासत में भी ये कार्ड 90 के दशक से बीजेपी खेलती आई है। हिमाचल की सत्ता पर भले ही अधिकतर समय राजपूतों ने राज किया है, मगर उन्हें विजय तिलक ब्राह्मणों ने लगाया है। इसलिए चाहे अनचाहे बीजेपी प्रदेश के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे को दरकिनार नहीं कर पा रही है। रायसीना हिल्स से राजनीतिक संन्यास का सफर तय कर चुके व्योवृद्ध शांता कुमार को आखिरी वक्त में पार्टी को याद करना ही पड़ा। ये बीजेपी की मजबूरी भी है और जरूरी भी। श्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक मजबूत हो, ये पार्टी मजबूत हो, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो, इसलिए चुनाव चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे असेंबली का हो, चाहे उपचुनाव हो, हमें उनको मजबूत करना है जिनके हाथों में देश सुरक्षित है। इस बात का ध्यान आप जरूर रखना। मैं हिमाचल के लोगों की एक और बात बताना चाहता हूं। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 60 साल से मैं भी राजनीति में हूं। भाइयों और बहनों, इतना बड़ा सौभाग्य हिमाचल का पहले कभी नहीं हुआ। ये समय हिमाचल प्रदेश के लिए सुनहरी समय है। फतेहपुर में बीजेपी की चली गई इस चाल के कई सियासी नेतार्थ जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ गए हैं। क्या बीजेपी को संन्यास ले चुके शांता कुमार फतेहपुर विजय करवाएंगे? क्या फतेहपुर उपचुनाव में बीजेपी के हाथ खड़े हो गए हैं? कांग्रेस किस हद तक नीचे जा चुकी है, तो कांग्रेस के हाथ में न देश सुरक्षित है न प्रदेश सुरक्षित है। और जहां तक विकास का सवाल है, मैं समझता हूं प्रदेश की जनता अनुभव कर रही है कि विकास में किसी प्रकार की कोई कमी सरकार ने नहीं रखी है। केंद्र की और प्रदेश की इतनी योजनाएं जो बात पहले कभी सोची नहीं गई थी वो भी हो रहा है। विदेशों में होता था कि किसान को खेत पर लगाए रखने के लिए इनकम सपोर्ट दी जाती थी, भारत में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होना शुरू हुआ। बता दें कि ये वही शांता कुमार हैं जो कुछ अरसा पहले सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन अब पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतर गए हैं। संग्रहे की एक दिन पहले शुक्रवार को खुद हिमाचल बीजेपी प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना शांता कुमार से मिलने उनके निवास स्थान गए थे। खैर, शांता कुमार के फतेहपुर दौरे में बवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या भगवा रणनीति में जिस ब्राह्मण समुदाय को अलग थलग किया था, उसी समाज के शीर्ष नेता रहे शांता कुमार को क्या वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है? फतेहपुर विधानसभा के सकरी पदेड़ भटोली और पल्ली में ब्राह्मण गांव है और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए स्वयं शांता कुमार आए। वो ना सिर्फ फतेहपुर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा कर गए, बल्कि कांग्रेस पर जमकर बाण भी चलाए। दरअसल फतेहपुर की सियासत में दो राजपूतों के साथ एक ब्राह्मण राजन सुशांत भी चुनावी मैदान में है, इसलिए कहीं न कहीं बीजेपी ने अपने सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे को आगे लाकर फतेहपुर को फतेह करने की कवायद शुरू कर दी है। बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं, जमीनें ले रही हैं, कहीं पर सरकार जमीन दे रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 3-4 साल के अंदर इन्वेस्टर मीट और नियमों में बदल परिवर्तन करने के कारण हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला प्रदेश बनेगा जिसमें कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा। तो इस किस्म की विकास की नीतियों को लेकर हम चल रहे हैं और ये उपचुनाव जो हैं, मुझे लगता है इन उपचुनाव में हिमाचल की जनता भाजपा को पूरा समर्थन देगी। वैसे जनता भी अब बहुत समझदार होगी, वो देख रही है दिल्ली में क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है,
प्रदेश में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इन उपचुनाव के अंदर भाजपा को पूरी जीत हासिल होगी। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।